हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सारू रसोई में। आज का वीडियो है दूध से मोटी मलाई कैसे निकालें और वो भी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। सभी लोग परेशान होते हैं कि दूध को वो अच्छे से गर्म करते हैं लेकिन दूध में अच्छी मलाई नहीं आती है, और या उनकी मलाई है जो फट जाती है या फिर दूध में ही बिखर जाती है। तो आज मैं आपके साथ वही यही वीडियो लेकर आई हूँ, और मैं इसमें आपको छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी। आपकी जो मलाई है वो फटेगी नहीं, दूध में बिखरेगी नहीं और बहुत ही रोटी जैसी मोटी मलाई निकल कर आएगी, और आपका जो मलाई है वो बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाएगा और आपका मक्खन है वो बहुत ही ज़्यादा निकलेगा और बहुत खुशबूदार घी निकलेगा। तो चलिए इसका जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, मलाई है जो दूध के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप कितना दूध लिया है। जितना ज़्यादा दूध लेंगे उतनी ही ज़्यादा मलाई भी निकलेगी, और जितना फैट वाला दूध लेंगे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन मैं आज आपके साथ जो टिप शेयर कर रही हूँ इससे आप गाय के दूध से भी मोटी मलाई निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो मैंने यहाँ पर 1.5 किलो दूध लिया है और ये मैंने फुल फैट दूध लिया है, वो भी अमूल वाला दूध लिया है। तो आप इसको सिम गैस पर गर्म करने के लिए रख दीजिए। इसको ध्यान रहे फुल गैस पर कभी गर्म नहीं करना है, और जब आप इसको गर्म करने के लिए रखते हैं तो इसको चलाना नहीं है, इसको छेड़ना नहीं है। देखिए, हमने सिम पर रखा हुआ है और जो हल्की हल्की मलाई इसमें आ रही है, जब ये धीरे धीरे गर्म होगा तो इसकी जो मलाई है बहुत अच्छी पड़ेगी, अच्छी खुशबूदार आएगी और रंग भी इसका बहुत अच्छा आएगा। आपको देखकर ही पता लगेगा कि हाँ, रियली में इसमें एक मोटी मलाई आने वाली है। तो फ्रेंड्स, दूध को गर्म कर लें इस तरीके से, और इतना गर्म करना है कि दूध 1-2 इंच ऊपर उठने तब आप उसको बंद कर दें। मलाई फटनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, और उस टाइम आप गैस को बंद कर दें। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आप जब भी गाय या भैंस का दूध लें, जो भी आप दूध लें, आप उसमें पानी ना डालें। अगर आप भैंस का दूध ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, नहीं तो चलेगा। और इतना गर्म होने के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए। फिर आप इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद 8 से 10 घंटे, यानी कि उससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं लेकिन कम नहीं, फ्रिज में रख दीजिए। और ये अच्छा चिल्ड होना चाहिए, फ्रिज में अच्छा ठंडा हो जाएगा, और फिर आप उसके बाद इस तरीके से मलाई निकालिए। देखिए फ्रेंड्स, कितनी मोटी मलाई आई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं।